कोई प्रॉब्लम है? क्यों, जतिन ने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया क्या? मामा, मामा को डिस्टर्ब मत कर, खाना तेरा मेज पे रखा है, खा ले। मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाकर आई हूँ। अभी तो वो छोटी के साथ सो जाएगी, पर जब बाबा होगा ना तो वो इधर सोएगी, तो मैं छोटी के साथ सो जाऊंगी और आप जो है ना, आप हॉल में सो जाना। छोटी कॉट दिलीप को दी थी, पूछ लूंगी, नहीं तो और ले आएंगे, और ले आएंगे। माता जी ने मुझे तुम्हारे चांदी के बर्तन दिए थे, वो भी ढूंढने हैं स्मृति के बाबा के लिए। ओह, कितनी चीजें करनी है, सब अकेली करूं? जल्दी आ जाओ अब। हाँ, और अपनी छोटी को भी संभालो। तुम मेरे साथ सो सकोगी? मैं बहुत लातें मारती हूँ। 20 साल से ज्यादा तो तुझे झेल रही हूँ, तू अब पूछ रही है? बस आधी रात को उठा के मुझे ये मत बोलना कि तुझे तारे देखने। सो, तुम्हारे वो आउट ऑफ टाउन गए? यू लाइंग ना? तुम मामा से यही कहा ना कि जतिन आउट ऑफ टाउन जा रहा है, इसलिए तुम यहाँ रह रही हो। मैंने उसकी गाड़ी संजय के बिल्डिंग के बाहर देखी है, नंबर नोट किया था मैंने। छोटी तुम सो जाओ। सो यू आर लाइंग? तुम नहीं समझोगी। क्यों? क्योंकि मैं छोटी? नहीं, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, दैट्स द प्रॉब्लम विद यू। तुम लोग मुझे हमेशा ऐसा क्यों ट्रीट करते हो? मैं बच्ची नहीं, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अपना बिहेवियर देखा है, एकदम इरिस्पॉन्सिबल। दिन भर पता नहीं किन किन लोगों के साथ आवारागर्दी करती रहती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स को मामा अच्छी तरह जानती है, मैं छुप छुप आगे कुछ नहीं करती। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी नहीं, मैंने तुम्हें देखा है। सो व्हाट, ट्राई करने में क्या हर्ज है? तुमने अपने कॉलेज के जमाने में एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए तो दैट्स टू बैड। और वैसे भी आई नेवर क्रॉस्ड एनी लिमिट्स। एक्सपेरिमेंटेशन की बात नहीं है, अम्मा और पापा ने जो रूल्स बनाए थे मैंने उन्हें कभी तोड़ा नहीं है। मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी। तुम समझती हो कि मैं उन्हें हर्ट कर रही हूँ? और जो तुम जितनी बातें मामा से छुपा रही हो, जब मामा को पता चलेगा तो वो हर्ट नहीं होंगी? तुम पापा के बारे में बात कर रही हो? पापा के बारे में तुम लोग बहुत आर्ग्यू कर रहे हो, सब मामा को फूल कर रहे हो। वो अभी भी यही सोचते कि पापा आने वाले हैं। तुम्हें पता है अभी मम्मी पापा से बात कर रही थी, जस्ट नाउ। वो अक्सर करती है, मुझे मालूम है। इट मेक्स अ हैप्पी, अंदर से एकदम शैटर्ड है वो छोटी। लेट हर बी, शी इज अ स्ट्रांग वुमन। इतनी स्ट्रांग नहीं है कि पापा की सच्चाई बर्दाश्त कर सके, अगर कर पाती तो अभी तक हो गया होता। एनीवे, मैं पापा की नहीं तुम्हारी बात कर रही थी, तुम्हारे और जतिन के मैरिज के बारे में। हर रिलेशनशिप में अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं,
और शादी में एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो तुम एडजस्टमेंट्स कर रही हो और करती जाओगी। Why can't you tell me what's wrong? Nothing's wrong. I'm fine. All right. तुमने मेरा पिलो लिया है। मुझे तुम्हारा जतन कभी भी अच्छा नहीं लगा। मुझे सो मैडली इन लव विद हिम। मैंने तो एक बार पापा से भी कह दिया था, पर पापा मुझे भी गुस्सा हो गए। उसने पापा को भी ना टोटली इंप्रेस करके रखा हुआ था। सुनो, तुमने उस राजिका को देखा है? पता है, बीच रात में उठ के जब मैं तुमसे कहती थी ना कि मुझे तारे देखने हैं, तो मैं यूं ही कहती थी तुम्हें इरिटेट करने के लिए। दरवाजा खुला छोड़ दिया। माँ, मामा, मामा, बाहर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया था? हाँ, दूध वाला आया था, मेरे से खुला रह गया होगा। तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? टीचर्स की स्ट्राइक, नो कॉलेज। दीदी कहाँ है? चलो, आज तेरे मुंह से दीदी तो निकला, कुछ खाएगी? मैं दीदी के लिए आम पापड़ लाई हूँ। खुश हो जाएगी, पिक्चर देखने गई है। सुजाता आई थी, उसी के साथ गई है। देख, तू दीदी के साथ झगड़ा मत किया कर, वो दुश्मन नहीं है तेरी। आज तो तुम लोग यहाँ साथ हो, फिर कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, कल तू कहाँ जाएगी क्या पता। एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहना चाहिए। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। तेरी दीदी भी यही कहती थी, और तू अपना साथी खुद ही ढूंढ लेना ताकि हमें दोष ना दे सके। शादी ने दीदी का क्या हाल बनाया मैंने अच्छी तरह देख लिया। क्यों, क्या हाल बनाया है? अच्छी तरह अपनी फैमिली प्लानिंग करते रहिए। मामा, आपको तो सब कुछ ठीक ठाक ही नजर आता है,
दीदी इतने दिनों से यहाँ है, उसका मूड बदला हुआ आपको नजर नहीं आता? अरे उसने इतने दिनों से मुझे लेक्चर तक नहीं दिया। प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में मूड जल्दी जल्दी बदलता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। माँ एक महीने से दीदी यहाँ पर है, जतिन ना एक बार यहाँ आया है और उसने एक बार भी आपसे टेलीफोन पे बात भी नहीं की है, आपको अजीब सा नहीं लगता? अरे पूछा मैंने स्मृति से, जतिन बहुत बिजी है आजकल, कोई नई प्रोजेक्ट मिली हुई है, कुछ दिनों के लिए बाहर भी गया हुआ है। कहीं नहीं गया है वो, यहीं पर है। यहीं पर है? बताया नहीं उसने मुझे? तेरी दीदी को बाबा के लिए जो मैंने चांदी के बर्तन जमा करे हैं वो दिखाए आज, और सुन पापा के वो हैवी सोने के कफलिंग्स जो है ना, वो मान जाएंगे, मैं उनको पूछ लूंगी, वो मैं जतिन में देंगी। कुछ नहीं देना उन्हें, वैसे ही बहुत कुछ ले चुका है उसका, बस तो नोश नोशी खा जाएगा हमको। अरे चुप रहे, हर वक्त बुराई बोलती है, चुप चुप बोला कर, इतनी बार कहा है। आप कुछ समझते क्यों नहीं, आपको तो कभी भी कोई भी उल्लू बना के जा सकता है। जो तो लगता है दीदी को भी ब्लैकमेल कर रहा है, मैं तो उसको कब का डिवोर्स दे चुकी हूँ। थप्पड़ लगेगा, आने दे तेरे पापा। हाँ बुलाओ ना पापा को, कहाँ है पापा, मैं भी इतने दिनों से उनकी वेट कर रही हूँ, यहाँ कोई पापा नहीं है मम्मा, और कोई पापा नहीं आने वाले, आपको आज मेरी बात माननी होगी, यहाँ सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। मम्मा प्लीज बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं मुझे बकवास नहीं सुननी, यू हैव टू प्लीज मम्मा, हट अरे मम्मा प्लीज, नहीं तेरी बात नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ मम्मा, यू आर अ स्ट्रांग वुमन, आप ही ने हमको इतनी स्ट्रेंथ दी है, फेस इट, आप पापा के लिए इस तरह इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि वो कभी नहीं आने वाले, क्योंकि पापा है ही नहीं मम्मा।